गाइज, अगर आपके पास बजाज फाइनेंसिंग का कार्ड है तो आप यहीं से जो है एक्टिवेट कर सकते हैं और गाइज फोन जो है आप नो कॉस्ट ईएमआई पे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो गाइज उससे भी जो है आप यहाँ पे नो कॉस्ट पे ईएमआई पे लोन ले सकते हैं। गाइज इस वीडियो में हम आप सबको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आपके पास पैसा कम्प्लीट नहीं है, तो आप जो है नो कॉस्ट पे ईएमआई के तहत कैसे आप लोन ले सकते हैं। गाइज इस समय जो है फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज चल रहा है जो कि काफ़ी में आपको फोन लैपटॉप जो है मिल जा रही है। तो गाइज इस वीडियो में हम आप सबको आईफोन जो है आप कैसे लोन पे ले सकते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। गाइज सबसे पहले जो है आपको अपना फ्लिपकार्ट ओपन करना है। फ्लिपकार्ट आप ओपन करते हैं, आपके सामने यहाँ पे बिग बिलियन का ऑफर्स देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है लैपटॉप देखने को मिल जाता है, मोबाइल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे गैजेट्स कुछ दिया गया है, यानी कि काफ़ी चीज़ों का जो है यहाँ पे लूट चल रही है। तो गाइज यहीं पर जो है आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपके स्क्रीन पर बिग बिलियन डेज का शो नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको जो है अपने फ्लिपकार्ट को अनइंस्टॉल करके फिर से जो है इंस्टॉल करना है, या आप अपने फ्लिपकार्ट को जो है अपडेट कर देना है। अपडेट करके ओपन करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर ओटीपी डालकर वेरीफाई करके आप ओपन कर लेते हैं। तो गाइज आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहां पे गाइज आपके सामने जो है स्मार्टफोन आता है या किसी भी प्रकार का जो है आप यहां पे सामान लेना चाहते हैं तो उसको यहां पे आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए गाइज यहां पे जो है स्मार्टफोन पर हम क्लिक करते हैं, यहां पे जो है आपको काफी सारा जो है फोन का टाइप दिखाया जाता है। तो गाइज यहां पे जो है हम एक फोन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे हमको आईफोन लेना है ईएमआई के तहत। तो गाइज यहाँ पे जो है सबसे पहले हम अपना फोन सेलेक्ट कर लेते हैं। फोन सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फोन का लुक आप देख सकते हैं, जो है आपका स्टोरेज दिखाई दे देगा, यहाँ पे आपका फोन का नेम दिखाई दे देता है। सिंपली गाइज यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स आपको कंप्लीट देख लेना है। फोन अच्छा है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो गाइज कैसे आप ईएमआई के तहत लेंगे, सिंपली गाइज यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे 79,000 का फोन है जो कि 64,000 में आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर आप ईएमआई के तहत पे लेना चाहते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया व्यू प्लान, ठीक है। यहाँ पे ईएमआई फ्रॉम जो है आपको 2200 रुपये से स्टार्ट है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे व्यू प्लान पर हम क्लिक करेंगे। व्यू प्लान पर हम क्लिक करते हैं तो गाइज हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास बजाज फाइनेंसरी का कार्ड है तो गाइज यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको हम बताएंगे कैसे आपको एक्टिवेट करना है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर सकते हैं। गाइज यहां पे जो है आपको सारे बैंक लगभग देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहां पे काफी लंबा चौड़ा जो है लिस्ट है, यहां पे आपको सारे बैंक देखने को मिल जाता है। सिंपली गाइज अगर आपको यहां पे ईएमआई नो कॉस्ट पे जो है आपको फोन लेना है तो आपको यहां पे जो है एक बैंक सेलेक्ट करना है। यहां पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक है। अगर आपके पास इसका क्रेडिट कार्ड होता है तो आपके लिए काफी अच्छा होता है जो कि आपको यहां पे नो कॉस्ट पे जो है फोन दे देता है। गाइज हम आप सबको बता दें कि अगर आपके पास एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो गाइज आप चाहे तो इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जो कि आईसीआईसी बैंक आप सबको प्रोवाइड करता है। गाइज आईसीआईसी बैंक में जो है क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करके इंस्टेंट आप अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जो कि इसका वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से सिंपली अप्लाई करके जो है बहुत ही जल्द में आप इसका क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो सिंपली गाइज एक बार हम जान लेते हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो यहां पे जो है इंस्टॉलमेंट क्या देना होता है। सिंपली गाइज मान लीजिए हम आईसीआईसी पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे 3 मंथ के लिए ईएमआई लेना चाहते हैं तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 22,135 रुपया, मतलब 3 मंथ जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। टोटल पैसा आपका हो जाता है यहाँ पे 66,403 रुपया, जो कि आपका फोन का दाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है 64,990 रुपया। गाइज यहाँ पे जो है 2,000 रुपया लगभग आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। सिंपली गाइज यहाँ पे जो है आपका सारा टाइमिंग बताया गया है। आप यहाँ पे ज्यादा दिन के लिए भी लेना चाहते हैं, 6 मंथ 9 मंथ 12 मंथ, तो गाइज सबका जो है प्राइस आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको इतना रुपया जो है कॉस्ट के साथ देना पड़ेगा। अगर आप कॉस्ट नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली गाइज बजाज फाइनेंसरी का कार्ड जो है आप यहां पे डाल सकते हैं। गाइज हम आप सबको बता दें कि बजाज फाइनेंसरी जो है हर एक जगह अपना कार्ड अवेलेबल नहीं देता है, जैसे कि देख सकते हैं इस लिस्ट में जो है आपको बजाज फाइनेंसरी का कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली गाइज बजाज फाइनेंसरी का कार्ड जो है यहाँ पे कुछ मिनट के लिए आता है। मतलब गाइज फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज जो है लगभग 29 तारीख तक चलने वाला है। तो गाइज 29 तारीख के बीच में जो है आपको यहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए जो है फ्लिपकार्ट 1 या 2 दिन के लिए जो है बजाज फाइनेंसरी का कार्ड यहाँ पे अवेलेबल दिखाया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे एक्टिवेट रहना है। आपको चेक करते रहना है कि बजाज फाइनेंसरी का कार्ड जो है यहाँ पे कब एक्टिवेट हो रहा है। गाइज हम आप सबको बता दें कि अगर बजाज फाइनेंसरी एक्टिव यहाँ पे दिखाता है तो उससे आप जो है पेमेंट कैसे करेंगे, उस कार्ड से जो है आप फोन ऑर्डर कैसे करेंगे। सिंपली गाइज यहाँ पे जो है आप अपना मोबाइल सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली गाइज बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। बाय नाउ
पे क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन दिखाया जाएगा जिसको आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, सिंपली गाइस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद गाइस आपके सामने जो है यहाँ पे आपका एड्रेस दिखाया जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे अपना एड्रेस वेरीफाई कर लेना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना एड्रेस यहाँ पे क्लिक कर आप चेंज भी कर सकते हैं, अन्यथा सही है। तो सिंपली गाइस आपको नीचे यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, सिंपली गाइस आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहीं पे गाइस आपको जो है बजाज फाइनेंशियल का कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आपके पास फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट है तो सिंपली उससे भी जो है आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको यहाँ पे सेलेक्ट ईएमआई प्लान दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे 3 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 1873 रुपये देना होगा, 6 मंथ के लिए आपको यहाँ पे 964 रुपये देना होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपली गाइस नीचे जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप बजाज फाइनेंशियल कार्ड से लेना चाहते हैं ईएमआई पे तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद गाइस नीचे आपको कंटिन्यू का बटन आता है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो गाइस वहीं पर जो है आप डालकर एक्टिवेट कर सकते हैं और उसे जो है ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे बजाज फाइनेंशियल का कार्ड देखने को मिल जाएगा। सिंपली उस पर क्लिक कर आप अपना बजाज फाइनेंशियल का कार्ड नंबर डालकर या आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर जो है यहाँ पे पैसा पेमेंट कर सकते हैं और उसको जो है आप किस्ती बाय किस्ती पेमेंट कर देंगे। तो गाइज इस प्रकार से जो है आप इसमें अपना बजाज फाइनेंशियल का कार्ड एक्टिवेट कर जो है ऑर्डर कर सकते हैं, या अन्यथा आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है तो उससे भी चाहे तो आप यहां पे जो है नो कॉस्ट पे यहां पे ले सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिला होगा, सही वीडियो देखने के लिए मिला होगा। वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे हम आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।